रात का समय था, चारों तरफ ठंडी हवाएं चल रही थी। हवाओं के साथ साथ वहां पर कुत्ते भौंकने की भी आवाज आ रही थी। तभी वहां पर एक हंसते हुए एक चिड़ैल आती है और बोलती है, ये आम का पेड़ मेरा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा। अगर इस आम के पेड़ से कोई भी आम खाने की सोचेगा या आम को चुरा कर जाएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल उस आम के पेड़ में घुस जाती है और थोड़ी देर बाद सोहन नाम का एक लड़का अपनी ही धुन में गाना गाते जा रहा था। हमें तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक, अरे यार पता नहीं आखिर मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ा। सोहन खुद से बातें कर ही रहा होता है कि उसकी नजर एक पेड़ पर पहुंच जाती है। उस पेड़ में काफी रसीले आम थे और उन्हें देख सोहन बोलता है, इतना सुंदर आम और ये तो बहुत सारे भी हैं, क्यों ना मैं आम के पेड़ से आम तोड़कर खा लूं। इतने में सोहन आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़कर खा लेता है, जिसके बाद उस पर में से भयंकर चुड़ैल निकलती है। चुड़ैल को देख सोहन डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पकड़ लेती है, जिसके बाद सोहन बोलता है, अरे बाप रे बाप, ये तो कोई भयंकर चुड़ैल है, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। अरे चुड़ैल आखिर तू मुझे क्यों मार रही है, आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मुझे मारने की कोशिश कर रही है। तूने मेरे आम चुराने की कोशिश करी है, अब तू नहीं बचेगा। जो भी मेरे आम को चुराएगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगी, उसको कच्चा चबा जाऊंगी, समझा तू। माफ कर दे रे, आज के बाद मैं कभी भी आम को हाथ नहीं लगाऊंगा। सोहन की बात चुड़ैल नहीं सुनती और वो चुड़ैल सोहन को उठाकर कच्चा चबा जाती है और थोड़ी देर बाद सोहन की हड्डियों को अपने मुंह से उगल देती है। इस तरह चुड़ैल सोहन को बहुत ही भयंकर मौत दे देती है और हंसते हुए वहां से गायब हो जाती है। अगली सुबह जब कुछ गांव वाले वहां आते हैं तो ये देखकर बोलते हैं, अरे भैया देखत हो, इस आदमी को पता नहीं किसने इतनी भयानक मौत दी है। अरे भैया तुम ऐसे कैसे बता सकते हो कि ये रात को ही मरा है, ये भी तो हो सकता है कि इसकी बहुत समय पहले मौत हो गई है। अरे भैया अगर बहुत पहले मौत होती तो इसकी हड्डियां अपने आप बाहर कैसे निकलती, तुम भी ना थोड़ा तो दिमाग यूज किया करो। इतना कहकर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और अब ऐसे ही गांव में आए दिन लाशें मिलने लगी। ये सब देखकर सभी गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं और आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर एक भयंकर चुड़ैल है और इस जगह जो आम का पेड़ है उसके पास जो भी आम खाने के लिए आता है उसको वो चुड़ैल बहुत ही भयंकर मौत दे देती है। अरे रामू भैया, लेकिन इस चुड़ैल का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है, आखिर हम इस चुड़ैल से छुटकारा कैसे पाएं? भैया अब हम कहां जाने कि ये चुड़ैल लोगों को क्यों मार रही है, इसका पता लगाने के लिए हम सभी को तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा, अब वही हैं जो हमें इस चुड़ैल से छुटकारा दिलवा सकते हैं। सभी लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उसको सारी बात बता देते हैं। ये सुनकर तांत्रिक बाबा बोलते हैं, जैसा तुम लोग चुड़ैल के बारे में बता रहे हो उस चुड़ैल के बारे में सच पता लगाने के लिए
मुझे तुम लोगों के गांव जाना होगा। अब तो तुम्हारे गांव में उस पेड़ के पास जाकर ही सारा सच पता लगेगा। इतना कहकर तांत्रिक वहां जाता है और मंत्र पढ़ने लगता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाय बाट भाट भट स्वाहा। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहां आती है और उससे गुस्से में बोलती है, तांत्रिक तू मेरे रास्ते में मत आ, और अगर तू मेरे रास्ते में आया तो काल देवता की कसम तू भी अपनी जान से जाएगा। तू इन सभी गांव वालों को क्यों मार रही है? मैं तेरा सारा सच जानना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे सच बता दूंगी? कभी नहीं तांत्रिक, कभी नहीं। देख चुड़ैल, तू मुझे इतना मजबूर मत कर कि मुझे अपनी शक्तियां लगानी पड़े, समझी तू? तांत्रिक के कहने के बावजूद चुड़ैल नहीं बताती, जिसके बाद तांत्रिक अपनी पोटली में से एक छड़ी निकालता है और उस पर मंत्र फूंक कर चुड़ैल को मारता है। उस छड़ी से चुड़ैल दर्द के मारे तिल में आ जाती है और बोलती है, बताती हूँ कुछ साल पहले की बात है, मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती थी। मेरी माँ की तबीयत खराब रहती थी और इसलिए मैं लोगों के घरों में जाकर काम किया करती थी। मुझे और मेरी माँ को आम खाने का बहुत ही शौक था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि मैं अपनी माँ के लिए आम ला सकूं। और ऐसे ही एक दिन की बात है, जब मैं अपने घर जा रही थी तो एक बूढ़े से व्यक्ति ने मुझे आम के कुछ बीज दिए। उसके बाद मैंने उस बीज को अपने घर के आंगन में लगा दिया और कुछ दिनों बाद वो पेड़ काफी बड़ा हो गया। और एक दिन मेरे पेड़ के नीचे एक तांत्रिक बैठकर विश्राम कर रहा था और गलती से मैंने उस तांत्रिक के ऊपर पानी डाल दिया, जिसकी वजह से उसकी पूजा भंग हो गई और उस तांत्रिक ने मुझे श्राप दे दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाएगी और हमेशा एक चुड़ैल के रूप में यहाँ इस पेड़ में बसी रहेगी। तथास्तु। इतना कहकर वो तांत्रिक अपने आप वहां से गायब हो गया। मुझे उसने बोलने का मौका भी नहीं दिया और इस तरह आज तक मैं इस पेड़ से मुक्त नहीं हो पाई हूँ। और इसीलिए यहाँ पर जो भी आएगा मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो तांत्रिक कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। देख चुड़ैल, मुझे उस समय गलतफहमी हुई थी, लेकिन तू यहाँ पर लोगों को मारकर अच्छा नहीं कर रही है। मैं तुझे अभी भी बोल रहा हूँ कि तू चली जा। नहीं तांत्रिक, कभी नहीं। मैं तुझे भस्म कर दूंगा अगर नहीं गई तो। तू मुझे भस्म करेगा तांत्रिक? चल, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तांत्रिक मुझे तेरा खून पीना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। वहाँ पर लोग उसे कुछ बोलते कि तभी चुड़ैल ने अपनी भूतिया शक्ति से तांत्रिक को हवा में उड़ाया और उसको जिंदा निकल गई, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप वहाँ से गायब हो गई। इस तरह चुड़ैल से उस गांव वालों को अब मुक्ति मिल गई थी और इस तरह गांव में अब किसी की भी मौत नहीं हो रही थी और सभी लोग खुशी से रहने लगे।